हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि YouTube पर अभी चल क्या रहा है। मतलब जैसे कि होता है ना, YouTube पर न्यू क्रिएटर आता है, कोई भी किसी से भी रिलेटेड वीडियोस को अपलोड कर देता है या फिर एक्सपोज्ड करने का कोशिश करता है किसी यूट्यूबर को, बिगनर यूट्यूबर को, तो वो क्या जल्दी ग्रो हो पाता है या फिर अदरवाइज, इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि YouTube पर अभी मतलब जो न्यू क्रिएटर्स आता है वो कैसे नया मौका हासिल करे कि अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सके। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरोज प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग YouTube के बारे में जानेंगे कि YouTube इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, कुछ अपडेट्स के बारे में जानेंगे कि न्यू क्रिएटर्स जो आता है वो किसी से भी रिलेटेड तुरंत वीडियोस को अपलोड कर देता है, बना देता है, क्रिएट कर देता है और अपने YouTube चैनल पर पब्लिश कर देता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसे टैक्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है कि कोई भी बंदा, मान लीजिए एक न्यू क्रिएटर है जिसने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, न्यू क्रिएटर, तो उसने क्या किया कि रेगुलर अपने यूट्यूब वीडियोस को अपने चैनल पर अपलोड किया, पब्लिश किया अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन उसका जो यूट्यूब चैनल है वो ग्रो नहीं हुआ। तो बाद में क्या किया, कोई एक यूट्यूबर को जो सक्सेस होता है, यूट्यूबर को टारगेट बनाया और उस पर एक्सपोज या फिर कोई ऐसी बात बोली जिससे उसे मतलब गिल्टी फील हो या फिर मतलब खराब लगे, इस टाइप का एक्सपोजर वीडियो अपलोड कर दिया अपने YouTube चैनल पर क्रिएट करके। तो बाद में क्या हुआ, उसका पॉपुलैरिटी आ गया। मान लीजिए मैं किसी का फैन हूँ, तो किसी का मान लीजिए अगर YouTube पे किसी का बुराई या फिर अदरवाइज कोई भी वीडियो मिल जाए उससे रिलेटेड, बिगनर मतलब जैसे कि बुराई से रिलेटेड या फिर अच्छाई से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड अगर मैं किसी का फैन हूँ, अगर वीडियोज को मिलता है तो मैं उसको जरूर से जरूर व्यू दूंगा एंड वॉच करूंगा उसके वीडियो को। तो होता क्या फ्रेंड्स, एक्चुअली में किसी को अगर एक्सपोज कर दिए, आप अगर एक न्यू क्रिएटर है तो आपका जो वीडियो है वो जल्दी रैंक हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, न्यू क्रिएटर्स यही सब अभी कर रहे हैं कि न्यू क्रिएटर्स आता है यूट्यूब पर और किसी के भी वीडियोस को चॉइस कर लिया, मान लीजिए कोई कैटेगरी चॉइस करके अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं, तो उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर कोई बिगनर यूट्यूबर है तो उसको एक्सपोज्ड करने का कोशिश करने लगा। एक्सपोज्ड करते करते उसका क्या हुआ, यूट्यूब चैनल धीरे धीरे ग्रो करते गया और फिर वो ग्रो हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी के समय में कोई भी बंदा आता है यूट्यूब पर तो सबको एक्सपोज्ड ही करके आगे बढ़ता है, यही है यूट्यूब की सच्चाई। और अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको रेगुलर लगातार मेहनत करनी है और इलीगल तरीके से अपने सब्सक्राइबर को मतलब फांकी नहीं मारनी, अपने यू चैनल पर लगातार मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, यही थी कुछ जानकारी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टैक्स रिलेटेड और टिप्स रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं आपके लिए। तो मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।